हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग ईयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जंपिंग ईयर्स होता क्या है। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक प्रेजेंट ईयर है, इस ईयर के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ डेट है और कुछ मंथ है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डे होगा, ये हमारे पास गिवेन होगा। क्लियर है? बस इसी डे के बेस पे आप नेक्स्ट ईयर के सेम डेट और मंथ के लिए, ये चीज़ हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम डेट और मंथ के लिए डे क्या होगा, यही फाइंड आउट करना जंपिंग कहलाता है। एज इट इज, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो सेम डेट और मंथ के रिगार्डिंग आपका डे क्या होगा, इस डे के बेसिस पे निकालना हमारे पास जंपिंग कहलाता है। यानी प्रेजेंट डे पे रह के आने वाले साल के बारे में सेम डेट और मंथ के लिए डे बताना, या फिर प्रीवियस ईयर के सेम डेट और मंथ के बारे में के रिगार्डिंग डे बताना, हमारे पास जंपिंग कहलाता है। क्लियर है जंपिंग क्या है? तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि जब भी हम जंप करते हैं, ये प्लस वन और माइनस वन के ही गैप में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट ईयर से मुझे नेक्स्ट ईयर जाना हो, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दो का गैप पे जंप कर जाए, नहीं, हम बारी बारी से जाएंगे, यानी प्लस वन के गैप में। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, तो जब हम प्रेजेंट से नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन हमारे पास बनते हैं। वो क्या है? पहला सिचुएशन क्या है कि अगर आप प्रेजेंट ईयर में हैं, तो हो सकता है कि ये ईयर हमारे पास नॉर्मल ईयर हो और जिसमें आप जंप कर रहे हैं वो भी नॉर्मल ईयर हो। तो ये पहला कंडीशन होता है, जब आप नॉर्मल ईयर से नॉर्मल में जंप करते हैं, तब प्रेजेंट डे के रिगार्डिंग अगले साल का डे क्या होगा, इसको पहला कंडीशन कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप प्रेजेंट ईयर आपके पास नॉर्मल ईयर हो, लेकिन जिसमें आप जंप कर रहे हैं वो लीप ईयर हो, तो इस केस में डे क्या होगा, इसे डिफाइन करना हमारा दूसरा सिचुएशन है। थर्ड ये हो सकता है कि प्रेजेंट ईयर हमारे पास लीप ईयर हो और जिसमें हम जंप कर रहे हैं वो नॉर्मल हो। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन बनते हैं जंपिंग के लिए, नॉर्मल टू नॉर्मल, नॉर्मल टू लीप, लीप टू नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो अगर आप बात कहेंगे, सर आपने यहाँ पे फोर्थ क्यों नहीं लिया लीप टू लीप, ये भी बोल सकते हैं, बट आपको मैंने अभी एक टर्म्स बताया था कि जंपिंग हमेशा एक साल के गैप में होता है, सॉरी अगले साल यानी एक साल के में ही आप जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है लीप टू लीप जाने में तो चार साल का गैप होता है, इसलिए ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं बनता है। हाँ, लीप टू लीप जाने के लिए हम लीप टू नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर लीप का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इन्हीं तीनों सिचुएशन का यूज होगा। क्लियर है? तो अब इन्हीं तीनों सिचुएशन को वन बाय वन हम देखते हैं कि आगे वाला दिन हमारा क्या बनेगा। देखिए, अब हम पहले सिचुएशन को देखते हैं। ये रहा मेरा पहला सिचुएशन कि अगर हम नॉर्मल टू नॉर्मल जंप कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि आपके पास अगर पहले नॉर्मल ईयर का मैं कोई डेट ले लेता हूँ और कोई मंथ ले लेता हूँ, सेम डेट और मंथ यहाँ पर भी लेना है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डे होगा और इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डे होगा, लेकिन जब दोनों का रिलेशन देखेंगे तो एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर में जंप करते हैं तो डे में एक साल का इंक्रीमेंट हो जाता है। यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना, जैसे कि मैं यहाँ 2018 एक ले लेता हूँ, नॉर्मल ईयर है आपको पता है, दूसरा हमारे पास 2019 एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। इस केस में मैं कोई एक डेट ले लेता हूँ 1 अगस्त, ठीक है, सेम डेट मैं यहाँ पे 1 अगस्त ले लेता हूँ, ये देखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारा दिन संडे है तो यहाँ का दिन हमारे पास इस रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली बोल सकते हैं संडे प्लस 1 मंडे होगा। समझ में आ गया? एज इट इज, अगर मुझे पीछे जाना हो, यानी कि 2017 का, हमें तो ये गिवन है, तो सेम डेट और मंथ में लेता हूँ। देखो यहाँ पर, तो इस केस में जो डे होगा, जो संडे है, उससे हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस वन कर लेंगे। समझ में आया? तो ये वाला दिन जो हमारा संडे माइनस वन क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो ये हमारे पास नॉर्मल टू नॉर्मल में जंप करने के बाद प्रेजेंट डे से कैसे हमने नेक्स्ट ईयर का डे निकाला और प्रीवियस ईयर का डे निकाला, ये पहला सिचुएशन कहता है। समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब हम सेकेंड वाले सिचुएशन की बात करें, जब हम नॉर्मल से लीप में जंप करते हैं, तो इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से हमने एक कोई डेट लिया और मंथ लिया, सेम डेट और मंथ आप लीप के लिए ईयर के लिए भी लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई डे होगा और नेक्स्ट ईयर का जो लीप ईयर है उसके डे में प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है। बात समझ में आया? ये है हमारे पास दूसरा सिचुएशन कि जब हम नॉर्मल से लीप में जंप करते हैं तो डे में 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन एक पहले मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिएगा, जैसे मैं 2019 से 2020 में जंप करता हूँ, ये कुछ है, तो सेम डेट और मंथ ले लीजिए, यहाँ पर 1 अगस्त
आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 अगस्त, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास दिन मंडे है तो यहाँ का दिन आपके पास Monday+2 यानी वेडनेसडे हो जाएगा। बात समझे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हमें नोट करने के लिए है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, तो इसमें दो नोट लिखना है। पहला नोट क्या कहता है कि इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास वैलिड मंथ है, मंथ कहने का मतलब जहाँ Day+2 होगा वो वैलिड मंथ आपके पास March-December ही होना चाहिए, यानी मार्च और दिसंबर के लिए डे में आप +2 करेंगे, ये पहला कंडीशन। और लेकिन अगर मंथ हमारे पास जनवरी और फरवरी है तो इस केस में हम ओनली Day+1 ही करेंगे, 2 नहीं करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह बना दूं, जैसे कि मान लिया जाए 2019 से हम 2020 में जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन आप 4 फरवरी का है और यहाँ पर भी 4 फरवरी है, तो इस केस में क्या कहता है कि भले आप नॉर्मल से लीप में जा रहे हैं लेकिन पहला कंडीशन रूल तो कहता है +2 करो, लेकिन इस कंडीशन में हम +2 ना करके, अगर ये दिन मंडे है तो +2 ना करके हम Monday+1 यानी कि यहाँ का दिन ट्यूसडे लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन 2 मंथ के लिए वैलिड होता है, जनवरी और फरवरी। इस बात समझ में आ गया? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई मंथ लेता हूँ तो आपको पता है कि जो हमारे पास ईयर होता है ये 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल और एक लीप। ये चीज़ को मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल में भी हमारे पास जनवरी है, फरवरी है, उसके बाद March-2December है, इसमें भी जनवरी है, फरवरी है, फिर March-2December है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, इसमें भी 31st day होता है, 31 दिन, इसमें 28 दिन होता है। लीप में बात करें तो इसमें 31 दिन होता है, 28 दिन यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा 29 days होता है। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि जब एक साल से दूसरे साल में जाते हैं, यानी कि 31 से लेकर 28 तक जाने में तो +1 होगा ही, लेकिन लीव के केस में 29 दिन एक एक्स्ट्रा बच जाता है +1, और इसलिए यहाँ पे 2 हो जाता है, और ये +2 बढ़ा हुआ दिन मार्च से लेके फिर डॉट डॉट करता हुआ +December तक के लिए यूज होता है। इसी रीजन से ये सिचुएशन जब नॉर्मल टू लीप में जाते हैं, जो वैलिड मंथ होता है +2 के लिए March-2December ही होना चाहिए, जनवरी फरवरी में जब भी हम जंप करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ +1 करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा पास नॉर्मल टू लीप का कंडीशन था। अब आइए, अब हमारे पास लास्ट सिचुएशन है जिसमें आप देखेंगे लीप टू नॉर्मल में जंप करना। इसके अंदर भी हमारे पास 2 सिचुएशन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। लीप से जब नॉर्मल में हम जंप करते हैं तो अगर यहाँ पे मंथ जनवरी और फरवरी होता है, क्लियर है, तो इस केस में हम Day+2 करते हैं, ठीक है। और जब March-2December जाते हैं तो इस केस में Day+1 करते हैं। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दूँ कि 2020 से लेकर मैं 2021 में जाना चाहता हूँ, तो देखिएगा ये लीप है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मंथ यहाँ पे मैं मान लिया जाए 24 जनवरी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ का भी 24 जनवरी लेता हूँ, तो इस कंडीशन में हमें कहता है कि लीप टू नॉर्मल हम जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि मंथ कौन सा है। अगर मंथ जनवरी या फरवरी है, अगर मैं यहाँ पे दिन मंडे लेता हूँ तो यहाँ का दिन Monday+2 हो जाएगा, यानी ट्यूजडे वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन इसी केस में अगर मैं ये वाला केस लूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि March-2December के बीच अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ 2020 से लेकर 2021 के बीच, लेकिन अब यहाँ 24 अगस्त या सितंबर जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं, ये लिखिएगा अगस्त लिख दूँ, तो इस केस में अगर ये दिन मंडे है तो यहाँ का दिन Monday+1 ही होगा, यानी आंसर ट्यूजडे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सिचुएशन था जहाँ हम जंप करते हैं, नॉर्मल टू नॉर्मल, नॉर्मल टू लीप, लीप टू नॉर्मल। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्लियर। फिर ये चीज़ें आगे साइकिल फॉर्म में नॉर्मल टू नॉर्मल, नॉर्मल टू लीप, लीप टू नॉर्मल में बदलता चला जाता है। तो ये हमारे पास जंपिंग ऑफ ईयर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अब आप बोलेंगे सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। देखिएगा जरा, जैसे कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक लड़का अपना जन्मदिन 1 अगस्त 2011 को मनाता है, क्लियर है, और दिन उसका संडे था,
ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे तभी मनाऊं जब वापस इसका दिन संडे होगा, क्लियर है। यानी नेक्स्ट टाइम वो अपना बर्थडे तभी मनाना चाहता है जब उसके बर्थडे का दिन संडे होगा। तब आपसे पूछा गया है तो बताइए तब ये ईयर क्या होगा जब अपना वो बर्थडे बनाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो चूंकि आप डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते हैं, ये तो हमेशा होता है, लेकिन ईयर तो बदलता है। आप अगले साल भी बर्थडे बनाएंगे, उसके अगले साल भी बनाएंगे, लेकिन डेट चेंज होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, देखिए नोट क्या कहता है वो चीज़ें देख लीजिए। नोट क्या कहता है, यह ऑलरेडी मैंने इसे कॉन्सेप्ट ऑफ डे में बता रखा है कि अगर हमारे पास संडे है, संडे में अगर मैं 7 जोड़ दूं या 7 घटा दूं तो दिन हमारा संडे ही आता है, क्योंकि साइक्लिक ऑफ डे में ये बातें क्लियर होती हैं कि 7 दिन बाद वापस एक साइकिल पूरा होने के बाद सेम डे ही आ जाता है। तो बस इसी पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। कैसे, तो इसे करके देखते हैं। हमें पता है कि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता, ये 1 अगस्त है, लेकिन जब वो 2011 को बना रहा होता है तो दिन इसका संडे है, क्लियर हुआ। जब मैं 2012 की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, 2012 ये क्या नॉर्मल, ये लीप, ठीक है। तो नॉर्मल टू लीप में जाने में क्या होता है, यहां से देखिए नॉर्मल टू लीप और मंथ आपके पास अगस्त है तो इस केस में +2 हो जाता है यहां पर, यानी यहां का आंसर क्या हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूजडे, यानी 2012 को उसका बर्थडे का दिन ट्यूजडे होगा, ठीक है। लेकिन उसे तो चाहिए संडे, यानी फिर वो एक साल और काउंट करेगा। अब देखिए कि ये आपके पास, ये देखना मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये लीप है, अब ये नॉर्मल है, क्लियर है। आगे अगर बढ़ें तो जरा ध्यान से देखिए, फिर लीप से नॉर्मल जाने में, लीप से नॉर्मल जाने में अगर मार्च से दिसंबर के बीच होता है तो +1 जुड़ता है, यहाँ पे हम +1 कर लेंगे, क्लियर होगी बात। फिर अगर हम 2014 की बात करते हैं तो ये देखिएगा, और +1 होने के बाद इस साल वो वेडनेसडे को बनाएगा ट्यूजडे, +1 वेडनेसडे, फिर नॉर्मल टू, ये फिर से नॉर्मल है, नॉर्मल के केस में फिर से +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो अपना बर्थडे थर्सडे को बनाएगा, हमें तो चाहिए संडे, यानी फिर से अगला साल का वो वेट करेगा। यानी अगर मैं 2015 की बात करूँ तो ये भी देखिए अपने आप में नॉर्मल है, ठीक है, और इस केस में भी +1 करेगा, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे संडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फ्राइडे, क्लियर है। अब देखिएगा, लेकिन चाहिए कितना उसे, 7 का एडिशन, तो एक साल और अगर वो देखता है तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास वापस लीप हो जाता है, और लीप के केस में क्या होता है, +2, और फ्राइडे +2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, संडे। यानी नेक्स्ट टाइम वो 2016 को अपना बर्थडे बनाएगा जहाँ पे इसका दिन वापस संडे हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखिए मैंने कैसे कर लिया। अब तो यहाँ पे मैंने इसे प्रोसेस में करके आपको बताया है कि कैसे हम जंप कर रहे हैं, लेकिन इसे हमें इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे उंगलियों पे कर सकते हैं कि 2000 नॉर्मल है, नॉर्मल से लिप में गए तो 2 ऐड किया, फिर 13 में 1 किया, फिर 14 में 4 किया, 15 में 5 किया, फिर 16 में हमारा 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जंपिंग ऑफ ईयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 2011 में वो संडे को अपना बर्थडे बनाता है तो बताइए 2014 में कब बनाएगा, कौन से दिन को बनाएगा, तो इससे भी आंसर निकल जाएगा। 15 में कौन सा बनाएगा, 13 को क्या बनाएगा, तो इससे आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग ईयर्स का। थैंक यू।